हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं उड़ान बुक का चैप्टर नंबर 43। इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के लोक नाट्य। झारखंड का लोक नाट्य पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करूँगा एक दो चैप्टर इसमें कवर करने का, ठीक है। तो सेशन को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, पहला है लोक नाट्य में जट जटिन। विशेषता इसकी क्या है? तो प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। जट जटिन में किसके किसके द्वारा अभिनय किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा। इस जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया गया है। मतलब तो पूछेगा आपसे कि जट जटिन में क्या, किस थीम पे मतलब वो किया जाता है लोक नाट्य, तो वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। इस चीज को, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा है आपका भाकुली बंका। यह क्या है? इसका आयोजन श्रावण यानी सावन के कार्तिक माह तक किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कब किसका आयोजन होता है। तो ये श्रावण से कार्तिक माह तक, और ये भी श्रावण से कार्तिक माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन जट जटिन के साथ किया जाता है। इसमें भकुली यानी कि पत्नी तथा बंका यानी पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। तो इसमें वैवाहिक जीवन और इसमें दोनों ऑलमोस्ट एक समान है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका सामा चकेवा। यह लोक नाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति से पूर्णमासी तक किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह कब किया जाता है? ध्यान से फिर से देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इस लोक नाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती हैं। फिर है आपका इस लोक नाट्य के प्रमुख नायिका को सामा। तो प्रमुख नायिका उनको क्या? सामा। और नायक को चकेवा यानी खलनायक को चूड़क या चुगला, एवं सामा के भाई को साम कहते हैं। तो ये करेक्टर याद रखिएगा, इसी के नाम पे सामा चकेवा है आपका लोक नाट्य। फिर से देख लीजिए, नायिका को सामा, नायक को चकेवा, और जो खलनायक निगेटिव रोल उनको चूड़क या चुगला, और सामा इनके भाई को सांब। तो सांब और सांबा, सामा याद रखिएगा। इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम को संबंधित लोक नाट्य है। तो ध्यान रखिएगा, ये भाई बहन के से संबंधित है। इसको, ये दोनों वैवाहिक का था, ये भाई बहन का है, तो इस ये थीम पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आपका डोमकच। डोमकच क्या होता है? ये स्त्रियों द्वारा विशेष अवसरों जैसे विवाह आदि पर आयोजित घरेलू लोक नाट्य है। इसमें हास्य परिहास, अश्लील हाव भाव एवं संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। इस लोक नाट्य का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तथा पुरुषों को इस लोक नाट्य को देखने की मनाही है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इसका सबसे बड़ी बात सामूहिक, मतलब कि पब्लिक प्लेस पर इसका प्रदर्शन नहीं किया जाता, पुरुषों को इसे देखने की मनाही होती है। इसका आयोजन विवाह एवं अन्य अवसरों पर रात भर किया जाता है। फिर आपका कीर्तनिया। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। तो ये था आपका झारखंड के लोक नाट्य, छोटा सा चैप्टर था। अब इसी में हम लोग आगे देख लेते हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, क्योंकि सेशन बहुत छोटा हो जा रहा है, इसलिए दो चैप्टर को कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाएगा। तो वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, तीन तरीके का वर्गीकरण है, एक तंतुवाद्य, फिर है सुषिरवाद, और फिर है तालवाद्य। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा तंतुवाद, सुषिरवाद और तालवाद कहते क्या। तंतु हो, तंतु का मतलब क्या होता है? तारों में कंपन द्वारा बजाया जाना, और जैसे गिटार होता है, गिटार में क्या रहता है? एक पतला स्ट्रिंग तार लगा रहता है, उसी को वाइब्रेट करके बजाया जाता है, उसको बोलते हैं तंतुवाद। फिर है सुषिरवाद, फूक कर, जैसे बांसुरी हो गया या अन्य और भी बहुत सारे हो गए, माउथ ऑर्गन हो गए, ये सब, तो वो हो गया सुषिरवाद। फिर तालवाद में ठोक कर बजाए जाने वाले, जैसे तबला, ढोल, ये सब। तो इसमें देखिए, ठोक कर बजाए जाने, इसमें भी दो ताल वाद्य यंत्र है, एक है अवनदवाद, एक है घनवाद। तो देखिए, अवनदवाद को लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित, ये ध्यान रखना आपको, अवनदवाद किसको पूछा गया ये क्वेश्चन है इस तरह के। और घनवाद है कांसा के निर्मित, मतलब कि अवनद जो हो गया एक तरह से मेटल और चमड़े का हो गया, और घन सॉरी लकड़ी और चमड़े का हो गया अवनद, और घन हो गया आपका मेटल का। फिर आप देखिए, इसमें एक एक करके देखते हैं सारे का नाम है और उसकी खासियत देखिए।
तंतु और ऐसे बाधा जिसमें तांत रेशम की डोरी। देखिए तंतु किसको बोलते हैं, पहले तंतु में देख लेते हैं टाइप। तो ऐसे बाधा जिसमें तांत रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा, एक सेकंड थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ तब आपको यहाँ पे दिखेगा। हाँ तो देखिए तंतु किसको, जिसमें जिसमें रेशम की डोरी तार बंधे होते हैं तथा तो इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले है एक तारा। एक तारा क्या होता है, तो एक तारा के बारे में देखिए, यह एक तार से बना हुआ है। चलिए अब फिर से वापस रेड कलर ले लेता हूँ। हाँ तो देखिए ये क्या है ना, एक तारा एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत एवं साधु संतों द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका केंद्रा। केंद्रा क्या होता है, केंद्रा या केंद्री पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लोके का खोल बांधकर किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है इसमें। इसका निचला हिस्सा कछुए खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसमें तीन तार होते हैं। इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। इसे झारखंड का वायलिन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, VVI कर लीजिए इसको कि झारखंड का वायलिन किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा केंद्रा या केंद्री को झारखंड का वायलिन कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी गलती से भी इसको भूलिएगा मत। फिर है आपका भुआंग। भुआंग क्या होता है, यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिए किसका वाद्य यंत्र है, संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा वस्तु से बना हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि यानी भुवंग निकलती है। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र, ध्यान रखिए केंद्रा और भुआंग दोनों संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब आगे देख लेते हैं बनम। बनम क्या होता है, तो इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है, जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। फिर नेक्स्ट है आपका टोहिला। टोहिला नाम याद रखिएगा, टोहिला टोहिला। इससे बनाने हेतु तो सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, सॉफ्ट साउंड निकलता है, मधुर। इसे तथा इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। फिर है सारंगी। इसके बारे में तो आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे। इसकी बनावट बनम जैसी होती है, परंतु इसका आधार व ऊपरी हिस्सा बनम से अधिक चौड़ा होता है। इसके आधार को गोद में तथा ऊपरी हिस्सों को कंधे पर रखकर बजाया जाता है। इसके तारों पर नाखूनों की आगे पीछे करके स्वर नियंत्रित किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या था, तंतुवाद। अब देख लेते हैं सुसीरवाद, जिसमें फूक मारकर। तो देखिए ऐसे बाद जिसे फूक फूक कर, ध्यान रखिए फूक कर बजाया जाता है, उसे सुसीर बाद कहते हैं, जैसे बांसुरी, सहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी आदि। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बांसुरी। बांसुरी क्या होता है, यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र। तो पूछा जाएगा एक वायलिन, झारखंड का वायलिन याद रखिएगा, और सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बांसुरी है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है, डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। तो देखिए ये एक बांस का प्रकार है, इसको याद रखिएगा, क्या डोंगी। पूछा जा सकता है आपसे कि किस, जो झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय बांसुरी है, तो किस बांस से बनाया जाता है। तो ध्यान देखा डोमिक नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी मतलब बनाई जाती है। उसे बजाने पर ध्वनि उसका काफी मधुर और अच्छा निकलता है। फिर आपका सहनाई, इससे भी आप लोग वाकिफ होंगे। ये इसे सनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छऊ, पैका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर सनाई का वादन किया जाता है। यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। शुभ काम में, शुभ मुहूर्त पर, तो शादी विवाह में, जो ऐसे भी आप सुने होंगे,
शहनाई बजाया जाता है, तो ये मंगलवाद है, ध्यान रखिएगा। फिर है सिंगा। सिंगा क्या होता है आइए देखते हैं। इसका निर्माण बैल या भैंस के सिंग से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र को सिंह के नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूक फूक मार कर बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैल या भैंस के सिंह से बनाया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा तो पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। फिर है आपका मदन भेरी। मदन भेरी क्या है? इसका वादन ढोल बांसुरी शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मेटल और प्लस लकड़ी दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब आखिरी है इसमें तीसरे नंबर पे तालवाद। तो तालवाद में देखिए क्या क्या है। तो ऐसे वाद जिसे पीट कर बजाया जाता है, ठीक है, चलिए, पीट कर बजाया जाता है, तालवाद कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है अनवद वाद, यह वाद लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मारकर नियमित किए जाते हैं, जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढप, खजरी, जुड़ी आदि। अब एक होता है घनवाद, यानी वाद कांसा से निर्मित किया जाता है, जिसे सहायक ताल वाद भी कहा जाता है, जैसे करताल, झांझ, घंटा, काठ, खाला आदि। तो अब एक एक करके देखते हैं कि नगाड़ा क्या होता है। तो देखिए झारखंड का नगाड़ा क्या होता है, झारखंड का प्रमुख वाद्य है। इनका प्रयोग आदिवासी और साधारण दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है। यह आकार के आधार पर बड़े, मध्यम तथा छोटे तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीन टाइप का होता है नगाड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसी तरीके से जो भी जैसा होता होगा। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संथाल परगना में नगाड़ा को क्या बोलते हैं? टमाक के नाम से जाना जाता है। वीवीआई कर लीजिए इसको। इसे कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा मारकर, देखिए पूछा गया क्वेश्चन, बनाया जाता है। पूछेगा कि आपका नगाड़ा कैसे बनाया जाता है, तो कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मारकर, इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पे आपका मांदर। मांदर क्या होता है? यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, भिविया कीजिए इसको। तो मांदर जो है झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है। ऐसे तुमदक पूछा गया है, तुमदक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मांदर को तुमदक भी कहा जाता है। और यहाँ पे नगाड़ा को क्या कहा जाता था? तो टमाक कहा जाता था। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मारकर, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मांदर का निर्माण कैसे, मिट्टी या लकड़ी का गोलाकार खोल है, तो ऊपर सिरों को दोनों ओर बकरी का चमड़ा मारकर, ध्यान रखिएगा। इसका बायां मुख मुंह चौड़ा तथा दायना मुंह छोटा होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का शेप होता होगा, इस तरीके का कुछ, एक तरफ ज्यादा चौड़ा, एक तरफ कम चौड़ा। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर विशेष लेप यानी किरण लगाया जाता है। इस लेप के कारण इसकी आवाज गुंजा मानो तो काफी गूंजता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। इसकी आवाज अत्यंत गूंजदार होती है। फिर आपका ढोल, सभी लोग वाकिफ होंगे आप इससे। यह झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य है। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र कैसे बनाया गया है, क्वेश्चन यही पूछा गया है अभी तक जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा सारे का। इस मुंह को बकरी के खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है, या फिर अब ढाक, ढोल हो गया, ढोल के बाद ढाक, देखिए यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, नाम भी है ढोल ढाक। आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। इसका निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। इसका वादन कई पर्व त्योहारों पर किया जाता है। जाता है पैकर तथा नटवर नृत्यों के साथ भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाया जाता है। नेक्स्ट है आपका धमसा या कुडुधतु, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसका वादन ढोल मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। इसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी आकृति कुडुधुत है तो कड़ाही जैसी। अब है करताल।
यह दो चपटे गोलाकार प्याले को जोड़े में होता है जिनके बीच हिस्सा ऊपर को रोबरा होता है। इनके उभरे हिस्से के बीच एक छेद होता है जिसे रस्सियां पिरो दी जाती है। इस रस्सियों को हाथों की उंगलियों पर थोड़ा गया प्यालों को थाली की भांति बजाया जाता है। जैसे मीठी ध्वनि मीठी ध्वनि मीठे ध्यान मीठे ध्यान ध्यान क्या है ध्यान क्या है इसका आकार करता आकार करताल किस भांति परंतु इससे बड़ा होता है। आवाज करताल से अधिक होती है। थाला ये पटेंट है। यह कांसे की थाली की भांति होता है जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की ओर उभरा रहता है। कांसे की थाली की भांति ध्यान रखिएगा। इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर इसे झुलाया जाता है। इसकी रस्सी को एक हाथ से थामकर दूसरे हाथ से मक्के की खलड़ी से बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट है देखिएगा कैसे बजाया जाता है इसको थाला को। फिर एक काठी या कुर्ची की लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है जिसे आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि। तो ध्यान रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी लकड़ी होती है काठी में। तो आपका कुर्ची की लकड़ी होती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 43 और 44 हमारा वाद्य यंत्र वाला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है और इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बारीक डेटा है तो आपको याद करने में अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 45 पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा उसको देखना मत भूलिएगा। झारखंड के पर्व त्यौहार फेस्टिवल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से 100% श्योर है चाहे वो JSSC हो या JPSC हो दोनों में प्रश्न रहेंगे मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।